आज की वीडियो में हमने बात करनी है कलर्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कलर पैनल क्या होता है, कलर पिकर क्या होता है, कलर स्वाचेस क्या होते हैं, कस्टम कलर स्वाचेस को हम किस तरह देख सकते हैं, हम आई ड्रॉपर टूल क्या होता है और फिर जो पेंट बकेट टूल है वो क्या होता है। चूंकि इन सब का ताल्लुक कलर से है, इस वजह से मैंने प्लान किया कि इन सब का एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए, वो आप लोगों के लिए भी समझने में थोड़ी आसानी होगी। सो लेट्स जंप इन टू द फोटोशॉप। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो ये मैंने एक लेयर ली हुई है। पहले तो ये तरीका था कि जब भी आप किसी चीज़ में इसी सिलेक्शन में आपने कुछ फिल करना होता था तो आप क्या करते थे, आप यहाँ से शिफ्ट और डेल प्रेस करते थे और यहाँ से फिल में आप फोरग्राउंड कलर जो भी आपका होता था वो यहाँ से आप फिल कर लेते थे। दूसरा तरीका आपका ये होता था कि आप यहाँ से एडिट में जाते थे और यहाँ से फिल में जाते थे और देन आप यहाँ पे इसको ओके करके इसमें फिल कर लेते थे। बट अगर आपके पास ये मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास बिल्कुल आप देखें कि अगर जहाँ पे आपका ग्रेडियंट टूल था वहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो आपको मिलेगा पेंट बकेट टूल। अब पेंट बकेट टूल आप जी भी प्रेस कर लेंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत है, जिस तरह आप कलर फिल करते थे आपको एडिट में जाना पड़ता था, फिर आप फिल में आते थे, फिर आप उसके बाद क्लिक करके उसमें फिल करते थे, तो ये पेंट बकेट टूल आपका वैसे ही वो काम कर देता है। पेंट बकेट टूल जैसे ही आपने सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपने देखना है कि आपने क्या फिल करना है, आपने कोई फोरग्राउंड कलर फिल करना है या पैटर्न फिल करना है। फिलहाल हम फोरग्राउंड कलर को देख लेते हैं कि ये क्या है। फोरग्राउंड कलर यहाँ पे देखिए मेरे पास रेड है, मैंने यहाँ से पेंट बकेट टूल लिया। यहाँ से आपने मेक श्योर करना है कि ये आपका फोरग्राउंड कलर कौन सा है और आपने यहाँ पे आके सिंपली इसको क्लिक करना और ये फिल हो जाएगा। अब ये इसका एक और भी तरीका, लाइक यहाँ पे आप एक सिलेक्शन के अगर डिफरेंट पार्टीशंस की हुई हैं सिलेक्शन की तो वहाँ पे भी ये डिफरेंट डिफरेंट कलर पेंट करना शुरू कर देगा। लाइक ये देखें, मैंने यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ से मैं एक सिलेक्शन ये मैंने ड्रॉ की है और फिर मैंने पेंट बकेट टूल लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ। अगर मैं देखें यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो सिर्फ इधर फिल होगा और देन मैं इसमें कोई और कलर फिल कर देता हूँ गोल्डन, तो यहाँ से ये गोल्डन फिल कर देगा। और अगर यहाँ से मैं कोई और कलर अब फिल करना चाहूँ लाइक ये वाला, तो यहाँ पे ये अलग कलर फिल कर देगा। अब ये जितनी सिलेक्शन की पार्टीशन होगी इसमें भी आप अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करते थे, आप पहले यहाँ से एक सिलेक्शन करते थे, फिर उसमें कलर फिल करते थे, फिर दूसरी सिलेक्शन करते थे, फिर उसमें कलर फिल करते थे, तो यहाँ पे पेंट बकेट के थ्रू आप इजीली अपना फोरग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मेरी यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है और यहाँ पे मैं अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैंने लेयर लिया है और अगर मैं अब यहाँ पे करूँगा तो ये देखें पूरी की पूरी लेयर को उसने फिल कर दिया है। अगर यहाँ पे मेरी कोई सिलेक्शन होती तो उसने सिर्फ सिलेक्शन में फिल करना था। जैसे मैंने अगेन यहाँ पे एक दोबारा सिलेक्शन, ये मैंने एक सिलेक्शन ली है और यहाँ से मैं अब कलर अपना कोई चेंज कर रहा हूँ और अब अगर मैं फिल करूँगा इसमें पेंट बकेट के थ्रू तो ये इस सिर्फ सिलेक्शन के अंदर ही फिल करेगा। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा आप आगे और भी चलते हैं। अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपने फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप ब्लेंडिंग मोड्स भी अपने एडजस्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि जब भी आपने कोई ब्लेंडिंग का करना होना तो मैं चूँकि उस अगर आपने यहाँ से ब्लेंडिंग यूज़ करनी है तो आपको उसी लेयर के अंदर रहना होगा जिस लेयर के अंदर आप काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप एक नई लेयर लें, उसमें अपना जो भी फिल करना है कलर का वो रखें, देन बाद में आप यहाँ से कलर पैनल के थ्रू अगर आप ब्लेंडिंग करेंगे तो वो बाद में मॉडिफिकेशन और उसकी सब्ट्रैक्शन एडिशन ये आपके लिए बहुत आसान रहेगी बाद में एडिटिंग करना। लेकिन चूंकि अगर यहाँ से ही मैं फिल करूँगा तो फिर मुझे ये देखिए मिसाल के तौर पर अगर आपने ब्लेंडिंग मोड करना है, लाइक मैंने यहाँ से ग्रीन में कुछ कलर फिल करना है तो यहाँ से मैं अपना पेंट बकेट टूल लूँगा, यहाँ से आपने जो भी ब्लेंडिंग रखनी है मैं डार्कन प्रेस कर देता हूँ। देखिए मेरा कलर है पिंक और अगर मैं यहाँ से फिल करूँगा तो वो ग्रीन के ऊपर पिंक के साथ जो डार्कन का ब्लेंड होगा वो बना के देगा। अब मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं होगा ये कलर कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा, लेकिन अगर यही मैं एक अलग से लेयर में लेके इतना और उसके ऊपर यहाँ पे पेंट करता, मैं उसके ऊपर यहाँ पे इतना पेंट करता तो ये देखें बाद में मैं इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकता हूँ, जिस तरह का मर्जी इसको अपनी मर्जी से ये ब्लेंड दे सकता हूँ। तो मेरे पास ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मैं इसको ऑन ऑफ भी सिंपली वो कर सकता हूँ। तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा, जब भी आपने ब्लेंडिंग करनी हो तो आप एक नई लेयर ले लिया करें, उसमें कलर फिल किया करें,
ताकि आपको एक ही कलर के अंदर सारे कलर वो मिक्स ना हो और एडिटिंग आपके लिए थोड़ी आसान रह जाए। उसके बाद आगे आ जाता है आपका ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है, लाइक मैं देखें यहाँ से मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ और इस लेयर को भी डिलीट कर देता हूँ और एक अब मैंने यहाँ से इस लेयर पे इतना हिस्सा सेलेक्ट किया और नई लेयर मैंने ले ली है और मैंने पेंट बकेट के थ्रू यहाँ से मैं फिल कर रहा हूँ अपना पिंक कलर और मैंने ओपेसिटी इसकी रख ली है तकरीबन 40 रख लेता हूँ। अब ये मैंने इसमें कलर फिल किया। अब ये देखिए ओपेसिटी उसकी थी, उसने 40% ओपेक रखा हुआ था तो अब वो बैकग्राउंड का आपको येलो कलर भी ये नजर आ रहा है। अब मैं इसको अगर कंट्रोल डी करके आपको ये थोड़ा मूव करके दिखाऊं तो ये बेसिकली ये कलर था, ये जब इसके ऊपर आ रहा है देखिए आपके पास ओपेसिटी इतनी इतनी हिस्सा ये आपका ओपेसिटी में नजर आ रहा है। अब अगर यही हिस्सा मैं इसको ये देखिए वही हिस्सा मैंने अब दोबारा सेलेक्ट किया और अब अगर पेंट बकेट के थ्रू यहाँ पे ओपेसिटी मैं इसकी कर देता हूँ 100% और यहाँ से इसका जो वो नॉर्मल रख लेता हूँ तो ये देखिए पूरे का पूरा अभी वो ओपेसिटी 100% है इसकी, यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी वो बिल्कुल विजिबिलिटी इसके अंदर से वो नहीं है। तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। टॉलरेंस क्या है, अब टॉलरेंस का मैं आपको ये बताता हूँ। देखें आप ये किसी एक कलर के ऊपर, जिस तरह ये मैं एम्प्टी स्पेसेस में सिलेक्शन बना के कर रहा हूँ, ये किसी कलर की भी सिलेक्शन खुद करके उसमें कलर फिल कर देता है। मैं कोई इमेज यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लाइक मैं एक ये इमेज है मेरे पास, अब ये देखें पूरे इमेज में या तो मुझे ब्लैक नज़र आ रहा है या फिर ये ग्रे है और या फिर ये आपको पिंक नज़र आ रहा है। अगर ये मैं सिलेक्ट करके हिस्सा और मैं इसको यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए जितना जितना हिस्सा था उसने वो सारा उस कलर का वो फिल कर दिया है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लाइक मैं अब ये तकरीबन 80 के करीब कर दी है, तो अब ये देखिए उसके ये जो आर्म्स के अंदर भी और यहाँ से भी थोड़ा सा जो कलर उसके साथ मिलते जुलते थे वो उसने वहाँ पर भी फिल कर दिया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कॉन्टिग्यूस देखेंगे, यहाँ पे कॉन्टिग्यूस के लिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉन्टिग्यूस रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने अपना टॉलरेंस रखा हुआ है तकरीबन 40 और मैं इस कलर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसने यहाँ तक कलर कर दिया। अगर मैं कॉन्टिग्यूस ऑफ कर दूंगा तो पूरी पिक्चर में जहाँ जहाँ पे इस तरह का कलर होगा ये वहाँ पे कलर फिल कर देगा। मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ और इसके ऊपर कलर रहा हूँ तो ये देखिए अब यहाँ पे भी कलर फिल हुए हैं, यहाँ पे भी फिल हो गए हैं और यहाँ पे भी फिल हो गए हैं। लेकिन जब मेरे पास कॉन्टिग्यूस ऑन था तो वो सिर्फ उसके उस हिस्से के अंदर अंदर ही, जब ये कोई दूसरा कलर देखता तो फिर उससे आगे कलर ये फिल नहीं करता। तो आप इस तरह भी कलर फिल कर सकते हैं। अगर मैं इसको मल्टीपल ट्राई के साथ डिफरेंट करके इसमें फिल करता रहूं तो ये इस तरह आप इसमें कलर की अपनी एक फिलिंग भी कर सकते हैं। सो वैसे आपको फिल करने के मैंने बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके और भी बताए हुए हैं, लेकिन ये पेंट बकेट के थ्रू भी आप कलर फिल कर सकते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये यही था। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, लाइक उसके बाद आ जाता है आपके पास पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या है, देखें जिस तरह मेरे पास ये मैं इनको डिलीट करता हूँ और ये भी मैं एक नई लेयर बना के इसको भी डिलीट करता हूँ और मैं इसमें एक कलर फिल कर लेता हूं वाइट। अच्छा जी, अब पैटर्न क्या है, देखिए अगर मैंने यहां पे एक सिलेक्शन की है ये और अब मेरे पास है पैटर्न टूल, पेंट बकेट में आ जाता है मेरे पास पैटर्न, यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो पैटर्न। तो आपने मेरी पैटर्न वाली वीडियो पढ़ी होगी कि आप किसी भी किस्म का पैटर्न बना भी सकते हैं और फिर ये डिफरेंट पैटर्न बाय डिफॉल्ट भी फोटोशॉप में आपके पास होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जब आप यहां से पैटर्न सेलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल उसके यहां से आप अपनी मर्जी के जो बाय डिफॉल्ट है पैटर्न वो सारे यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहां पे ये एक पैटर्न है, इसको सेलेक्ट करके जब इसको यहां से फिल करूंगा तो देखिए पैटर्न यहां से ये फिल कर सकता है। यहाँ पे कोई और पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, इसको आप अगर फिल करना चाहें, मैंने ये सेलेक्ट किया और इसको भी ये पैटर्न के तौर पे मैं फिल कर सकता हूँ। तो इससे भी आप बहुत अच्छे अच्छे इम्पैक्ट बना सकते हैं। आगे नॉर्मल आप इसको करना चाहें, अगर इसके साथ कोई ब्लेंड बनाना चाहें तो देखिए मैंने ओवरले सेलेक्ट किया। अब मैं ओवरले के साथ यहाँ पे ये एक रोज का पैटर्न है ये फिल कर रहा हूँ तो ये देखें ओवरले के पैटर्न के साथ उसके अंदर ब्लेंड करके दे रहा है। अब अगर फर्दर मैं इसकी ब्लेंडिंग को थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये मेरे पास अलग लेयर में होता तो वो मैं दोनों लेयर्स के साथ अच्छे अपने मर्जी के ब्लेंड बना सकता था। तो यहाँ से इसी वजह से कहता हूँ जब आपने सेम लेयर पर ब्लेंडिंग करनी हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड होके इसमें वो पेंट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से अगेन उसकी ओपेसिटी है, ये टॉलरेंस है।
अब ये कॉन्टिगस का मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने ऑल लेयर मल्टीपल लेयर्स हैं तो आप ऑल लेयर भी चेक कर देंगे। तो ये देखिए, अगर मैं इसमें फिल करता हूँ कोई और, ये फिल करता हूँ, तो देखिए मैं ऊपर वाली लेयर में हूँ बट वो नीचे वाली लेयर के अंदर ही काम करेगा। यहाँ से मैं इसको नॉर्मल ले रहा हूँ, अब ये देखें मैं हूँ तो ऊपर वाली लेयर में लेकिन ये नीचे वाली लेयर से सैम्पलिंग भी उठा रहा है, चूंकि मेरा यहाँ से ऑल लेयर सेलेक्ट है। ये नीचे वाली लेयर के साथ, जब आपका ऑल लेयर सेलेक्ट होगा तो नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी वो सब लेयर से पिक्सल सेलेक्ट करेगा, लेकिन अगर ऑल लेयर सेलेक्ट नहीं होगा तो जिस लेयर में आप बैठे हुए हैं ये सिर्फ उसी के पिक्सल को कंसिडरेशन में लाएगा, उसी को एनालाइज करेगा और देन उस पर ऑपरेट करेगा। तो मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ डिलीट। अब आ जाते हैं आई ड्रॉपर। अब ये देखें मेरे पास एक ये पैनल है, पिक्चर है एक। अब अगर मुझे देखना है कि यहां से कोई कलर सेलेक्ट करना है एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए, जो बाद में टेक्स्ट के लिए यूज करना है, तो ये मेरे पास आ जाता है आई ड्रॉपर। इसका काम ही होता है आप सिंपली किसी कलर के ऊपर क्लिक करें तो वो कलर देखें आपका यहां पे आ जाता है एग्जैक्टली। यहां से आप उसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। पहले थोड़ा सा इस कलर पिकर को डिस्कस कर लें। देखें जब आपके पास टूल बार में यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपको एक फोरग्राउंड कलर मिल रहा होता है और एक बैकग्राउंड कलर मिल रहा होता है। जो टॉप वाला होता है वो फोरग्राउंड होता है, जो उसके बिल्कुल बैक पे होता है वो आपका बैकग्राउंड कलर होता है। आपने इसको क्लिक करना है, ये देखें यहाँ पे आपके पास एक बिल्कुल कलर की डिस्प्ले का एक स्क्रीन नजर आ रही है। ये भी डिफरेंट तरीकों की स्क्रीन आप यहाँ से देख सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये इसके अंदर आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, एक्चुअली ये करंट आपका सिलेक्टेड कलर है। ये रेड के बहुत सारे, ब्लैक टू व्हाइट और रेड के सारे शेड तकरीबन यहाँ पे आपको मिलते हैं। अगर आप यहाँ से साइड स्लाइडर से चेंज करते जाएं तो आप डिफरेंट टोन अपनी मर्जी का यहाँ से सेट करके यहाँ से आप अपनी मर्जी का शेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सर्कल का मतलब है कि आपने इस वक्त ये वाला कलर सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो उससे पहले ये देखें बाय डिफॉल्ट मेरा जो करंट कलर था वो रेड था, और न्यू इस वक्त आपका कौन सा कलर है वो आपको ये टॉप पे बता रहा है। अगर मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करके ये कर देता हूं तो अब वो बता रहा है कि अब आपका न्यू कलर ये वाला है और जो आपका ऑलरेडी कलर था वो ये नीचे वाला है। तो इससे आपको यहां से भी पता लगता रहता है। अब यहां पे आपको एक छोटा सा आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स, एक बॉक्स का आइकॉन नजर आ रहा है। देखिए सम टाइम आप कोई ऐसा कलर पिक कर लेते होते हैं जो आपकी वेब के लिए, वेब के कलर वो अप्रोप्रिएट नहीं शो करता, तो यहाँ से वो आपको एक वार्निंग शो कर रहा होता है कि ये एग्जैक्टली जो आपने कलर उठाया है ना, शायद ये वेब पे जाके इस तरह डिस्प्ले ना दे सके। तो ये इसका ऑल्टरनेटिव कलर आपको खुद ही सजेस्ट कर देता है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये देखें इसने कहा कि अब सेम तकरीबन वैसा ही कलर है, लेकिन उसने कहा ये अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट कलर है जो आप वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया तो देखें यहाँ पे फिर मेरे पास वो एक आइकॉन आ गया है। मैं इसको सिंपली क्लिक कर दूंगा तो वो वेब के लिए आपको जो अप्रोप्रिएट कलर है उसी टोन में वो आपको खुद ही वो मार्क कर देता है। उसके बाद ये नीचे आपको बताया था आपके पास हर कलर का कोई ना कोई नंबर होता है, हर कलर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मैं पाकिस्तान लाहौर से ही आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे ये अपने क्लाइंट को यूके में, कनाडा में, अमेरिका में देना है, तो वहाँ पे अगर मैंने उसको ट्रू कलर देना है तो मैं उसको यहाँ पे उसका एक हेक्सा कलर नंबर भी होता है, कलर कोड भी होता है यहाँ पे हर कलर का, वो मैं इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसको ये नंबर भी दे सकता हूँ। जहाँ कहीं भी ये मैं कलर पेस्ट नंबर पेस्ट करूँगा एग्जैक्टली ये वाला कलर जो अब इस वक्त मेरा सेलेक्ट है वो आ जाएगा। अगर मैं रेड में चला जाता हूँ तो ये देखें अब रेड का कलर चेंज हो गया। आप जिस तरह चेंज करते जाएंगे ये नंबर आपको नीचे चेंज होते जाएंगे, हर कलर का आपको एक ये नंबर देगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपके पास रेड, ग्रीन, ब्लू, आपको पता है हर कलर तकरीबन आपको अगर मैं बताऊं कोई 16 या 17 मिलियन कलर हैं आरजीबी से। वो कैसे, हर कलर के कितने शेड्स हैं आपके पास, 256, यानी कि 0 से लेके 255 तक हर कलर के 256 शेड्स हैं। और 256 शेड्स अगर रेड के हो जाएं, 256 शेड्स अगर ब्लू के हो जाएं, 256 शेड्स अगर ग्रीन के हो जाएं, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो तकरीबन 16.7 मिलियन कलर्स बन जाते हैं। इतने ज़्यादा कलर ये आप आरजीबी से बनते हैं। तो हर कलर में रेड भी होगा, ब्लू भी होगा और ग्रीन भी होगा। मैं यहाँ से कोई कलर, ये वाला ऑलमोस्ट पिंक कलर, मुझे तो लग रहा है ये पिंक कलर है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली ये आपको बता रहा है कि इसमें जो रेड था
वो 225 है, ग्रीन इसमें 34 है और ब्लू इसमें 115 भी है। अगर आप किसी को ये कलर देना चाहें तो आप ये आरजीबी की वैल्यू भी दे सकते हैं, अगर ये नहीं देना चाहे तो आप सिंपल ये नीचे कलर की वैल्यू है, 6 नंबर न्यूमेरिक है आपके पास, ये एक आप कोड भी उनको दे सकते हैं, वो एग्जैक्टली यही कलर आपके पास लेके आएगा। देन उसी तरह यहाँ पे ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस का अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाती है। यहाँ से लैब कलर हैं और उसके बाद यहाँ से प्रिंटिंग के लिए जो आप यूज़ करते हैं सियान, मजेंटा, येलो एंड की कलर, वहाँ पे भी ये देखें आपके पास ये एग्जैक्टली कलर ये आ जाते हैं कि सियान उसमें कितना है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि रेड, ग्रीन, ब्लू, जब आप इस तीन कलर्स की स्कीम में काम कर रहे होते हैं तो इनका मिनिमम नंबर होता है 0 और मैक्सिमम नंबर होता है 255। बट जब आप CMYK में काम करते हैं तो इनका मिनिमम नंबर होता है 0 और मैक्सिमम होता है 100, यानी कि 100 से ऊपर की कोई वैल्यू आप नहीं दे सकते और RGB में आप 255 से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं दे सकते। लाइक मैं अगर यहाँ से 300 की एक वैल्यू देता हूँ तो ये देखिए एक मैसेज शो कर देगा कि ये 0 to 225 ओनली ये एक्सेप्टेबल होगा इसमें, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें मैक्सिमम 225 ही रखेगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं 110 कर देता हूँ और ओके करता हूँ 110, तो ये देखिए फ़ौरन वो भी कहता है कि दिस शुड बी इन बिटवीन 0 to 100, तो ये ओके करेंगे तो ये मैक्सिमम 100 ही रखेगा। तो अगेन जो भी आप कलर यहाँ से अपने पिकर टूल से सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो आपको यहाँ से उसकी RGB, ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस, लैब कलर और CMYK में एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी बता रहा होता है। अब एक काम और कर लें, अब ये नीचे एक बॉक्स लिखा हुआ है ओनली वेब कलर, जब मैं यहाँ से इसको चेक कर दूंगा तो अब आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें तो वो देखिए यहाँ पे एक साइन आपको आ रहा था कि वार्निंग आ रही थी कि ये वेब के लिए मुनासिब कलर नहीं है, तो वो उसने यहां से जब आप चेक कर देंगे कि ओनली हमें सिर्फ वेब कलर ही शो करे तो वहां पे अब आपको ये वार्निंग देखें ये नहीं नजर आ रही। इसका मतलब अब जो आपके डिस्प्ले में मिल रहा है ये सारे के सारे आपके वेब के लिए ट्रू कलर हैं, आप यहां से अपनी मर्जी का कोई भी वेब का कलर वो यूज कर सकते हैं। तो आप इसको वैसे अनचेक ही रखें, यहां से आपको डिफरेंट ज्यादा सिलेक्शन बेहतर नजर आती है, मैं नॉर्मली इसी तरह करता हूं। तो अब इसको कर लेते हैं ओके। अब यहां पे एक नीचे आपको एक टैब नजर आ रहा है एड टू स्वाचेस। अब ये स्वाचेस क्या हैं? स्वाचेस आपके इंडिपेंडेंट कलर्स हैं। ये आपको कहां पे मिलेंगे, मैं इसको कैंसिल करता हूं। देखें अगर आप विंडो में जाएं तो आपको दो पैनल, जो मैंने आज डिस्कस कहा था कि हम कलर पैनल भी देखेंगे और स्वाचेस पैनल भी देखेंगे, अगर आप यहां से आएं तो यहां पे आपको ये देखें कलर पैनल, आप F6 भी प्रेस करेंगे और यहां पे अगर आप क्लिक कर दें तो भी आपके सामने ये कलर पैनल आ जाता है। और अगेन आप विंडो में जाएं तो यहां पे अगर आप अपना देखें स्टाइल के नीचे बिल्कुल, तो यहां पे आपको स्वाचेस भी मिलते हैं। मैं इनको भी निकालता हूं और यहां से इनको अब थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखिए अगेन जिस तरह आपने यहां से कलर पिकर देखा था ऑलमोस्ट ये वैसे ही कलर है। यहां से भी आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर, जो भी कलर आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, आपको दोबारा यहां से कलर सेलेक्ट ना करना पड़े, इसलिए फोटोशॉप ने आपको कलर स्वाचेस का एक पैनल दे दिया है। वो हर कलर की आपको इंफॉर्मेशन आपके स्वाचेस में सेव रखता है। लाइक मैंने यहां से एक कलर सेलेक्ट किया तो ये देखें स्वाचेस के अंदर यहां पे आपके पास मिल गया है। अब यहां पे पूरी लिस्ट है आपके पास ऑलरेडी, आप यहां से भी अपनी मर्जी का कोई कलर यूज कर सकते हैं। मैं अगर इसमें यहां से इसकी थोड़ी सी सेटिंग में जाऊं तो आप अपनी मर्जी से यहां से लिस्ट भी बना सकते हैं। नॉर्मली मैं इसको स्मॉल थंबनेल में रखता हूं, ये मेरे लिए काफी है। तो अब ये देखें स्वाचेस ये होता है कि बने बनाए कलर की एक पूरी लिस्ट होती है आपके पास। यहां पे ये देखें जो यहां से भी आप अपनी मर्जी के कलर वो यूज कर सकते हैं। अब जो भी कलर आप यहां से यूज करते हैं देखें यहां पे स्वाचेस में ऐड होता जा रहा है। आप इसमें यहां पे अगर आप नीचे देखें तो आपको एक पूरी, अगर आप इसको रीसेट करना चाहें बाय डिफॉल्ट, तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। आप अपना कलर बना भी सकते हैं अपना कलर। ये देखें मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से कलर पिकर में आपको दिखाया था कि मैंने एक ये कलर ये रखा है और ये मैं बार बार ये कलर यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड टू स्वाचेस में करूँगा। जब इसको ऐड करूँगा तो इसमें मैं अपना कलर दे सकता हूँ माय पिंक, मैं इसका एक नाम रख देता हूँ माय पिंक। ये आप नीचे ऐड टू माय करंट लाइब्रेरी ये अनचेक रखा करें, वरना ये फिर क्लाउड में जाके उसमें लाइब्रेरी में सेव करने की कोशिश करता रहता है, तो आप इसको अनचेक ही रखा करें। तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैंने जब इसको ओके कर दिया तो ये देखें यहाँ पे आपको वो कलर आपका मिल गया है। अगर मैं इसकी लिस्ट में दिखाऊंगा आपको
स्मॉल लिस्ट में, तो नीचे आते जाए तो मैंने ये देखें रखा था इसका नाम माय पिंक, यहाँ पे आपको वो माय पिंक का कलर बना बनाया मिल गया। मुझे बार बार यहाँ पे जाके एग्जैक्टली ये कलर ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास स्वेचेस में आ गया है। इसी तरह आप यहाँ से कोई भी कलर उठा के इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब कलर पैनल में अगर आप यहाँ पे इसकी सेटिंग में आ जाए तो यहाँ पे इसकी जो कलर की डिस्प्ले है उसके बहुत सारे यहाँ पे हिस्टोग्राम्स हैं। लाइक यहाँ पे अगर ब्राइटनेस क्यूब में मैं अगर जाऊं तो मुझे कुछ इस तरह भी कलर मिलते हैं। अगर मैं इसको ग्रे स्केल स्लाइडर में जाऊं तो यहां से भी आप अपनी मर्जी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको आरजीबी स्लाइडर में जाऊं तो यहां से भी आप अपनी मर्जी का ये देखें कलर यहां से बना सकते हैं, या यहां से आप अपनी मर्जी का कोई कलर पिकर टूल से ले सकते हैं, लेकिन यहां से आप आरजीबी के थ्रू भी अपना कलर कोई बना सकते हैं। अब उसके बाद यहां पे एचएसबी स्लाइडर हैं, आप वेब कलर स्लाइडर हैं, जो भी आपको सही लगता है ना, आपको आसानी है जिस कलर में पिक करने के लिए वो रख लें। मैं नॉर्मली इसमें ह्यू क्यू भी रखता हूँ, मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ से स्लाइडर से उसका कोई कलर का टोन मार्क करता हूँ और यहाँ से फिर अपनी मर्जी का कोई शेड मैं वहाँ से पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप इस तरह कलर पिक करके इसको यहाँ पर स्वेचेस में भी डाल सकते हैं। आप अपना स्वेचेस किसी को दे भी सकते हैं, लाइक किसी को वो कलर एग्जैक्टली चाहिए यहाँ पे नहीं, किसी दूसरे मुल्क में आपको ये वाला कलर चाहिए, तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि आप वो कलर कोड उनको दे दें, या फिर आप ये देखें मैंने यहाँ से लाइक ये कलर बनाया, इसको ऐड टू स्वेचेस किया और इसका मैंने नाम रखा ट्रिपल ए और इसको ओके कर दिया। अब ये हो तो गया, अब ओके मैंने कर दिया, अब ये देखें यहाँ पे आपको वो कलर मिल गया है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से इसको रीनेम भी जो करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आप सेव स्वैच भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से लोड स्वैच करना हो तो जो भी किसी ने आपको दिया होगा वो आप यहाँ से कलर हो तो आपको सिंपली, मेरे पास अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है सिर्फ वही हैं, लेकिन जहाँ पे भी होगा आप इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास वो मिल भी जाएगा। तो ये आपके कलर स्वेचेज़ हैं, ये आपका कलर पैनल है, ये कलर पिकर है, आप कलर लाइब्रेरी होती हैं डिफरेंट, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलर लाइब्रेरी भी होती हैं, जिस तरह पेंटोन सॉलिड कलर कोटेड है। पेंटोन एक स्टैंडर्ड कलर की कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में सॉलिड कलर ये बहुत अच्छे प्रोड्यूस करती हैं, ये उसकी सारी कैटेगरी यहाँ पे आपके पास, ये देखें आपको वो पेंटोन की ये अवेलेबल होती है। यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट है, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको कलर लिस्ट पसंद आए वो यहाँ से आप पसंद कर सकते हैं। इसका ताल्लुक कहाँ पे होता है, देखें यहाँ पे समटाइम आपका कोई ऐसी आपने कलर स्कीम यूज़ कर लिया, लाइक जिस तरह मैं आपको बताता हूँ HKSZ, ये पाकिस्तान में शायद इस टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा वो अच्छी प्रिंटिंग नहीं होती, ये आप अगर यूरोप के कंट्रीज़ में चला जाएं तो वहाँ पे ये कलर बड़े अच्छे प्रिंट होते हैं, तो मैं उनके लिए ये वाले कलर यूज़ कर लूँगा। लेकिन पेंटोन चूँकि स्टैंडर्ड है, बहुत सारे दुनिया के ममालिक में मशीन्स जो हैं वो पेंटोन बहुत अच्छा कलर प्रिंट करती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे नॉर्मली मैं अपने जो पेंटोन सॉलिड कलर ही वो यूज़ रखता हूँ। तो आपकी वैसे मर्जी है, आप जिस तरह अपनी मर्जी का जो भी कलर स्कीम जिस कंपनी का भी कलर यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो आज था हमारा कलर स्वेचेस के मतलब, उम्मीद है आपको इसके बारे में, कलर के बारे में, कलर सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, अपनी स्वेचेस लिस्ट कैसे बनाते हैं वो, और कस्टम उसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ये आपने आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अंटिल देन, बाय बाय।